एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो इंसेंटिव दिया जाता है वो कब मिलेगा इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। बहुत जटिल प्रक्रिया है और उसके कारण पोर्टल से अपडेट करने के बाद भी मुझे बहनों ने यह बताया कि उनको कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले एसीएस यहां बैठे हैं, मैं निर्देश दे रहा हूं इस प्रक्रिया का हर हाल में सरलीकरण किया जाए और जिला स्तर पर नहीं ब्लॉक स्तर पर ही इसकी व्यवस्था की जाए ताकि जिले में इन बहनों को भटकना ना पड़े। अरे जितनी मेहनत करती है कम से कम उसका जो परिश्रम है वो तो उन बहनों को ढंग से मिल जाए, इसे ये करने का आप तत्काल काम करें। जो रूटीन के काम है उनमें भी कई बार कोई कमी ना होने के कारण भी कई आशा बहनें सेवा से पृथक कर दी जाती है। मैं ये निर्देश दे रहा हूं बिना किसी गंभीर उससे ये बहनें सेवा से पृथक किसी भी हालत में नहीं की जाएगी, ये सुनिश्चित करने का काम करें। हम ये भी तय कर रहे हैं कि आशा बहनें और पर्यवेक्षक उनकी सेवा निवृत्ति 7 साल में नहीं अब 62 साल में की जाएगी ताकि वो स्वस्थ रहकर और बेहतर काम दे कर सके। आशा और आशा पर्यवेक्षक जो हमारी बहन है आशा के साथ उनका सम्मिलित है, उनको मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा ताकि कहीं बीमार हो तो उनके इलाज की फीस व्यवस्था हो जाए। कई आशा ऊषा बहनें अभी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में सम्मिलित नहीं है, हर आशा और ऊषा बहन को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में सम्मिलित किया जाएगा, इसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। एक बात आई आकस्मिक अवकाश की, वैसे हमारा काम ऐसा है कि कब हमारी जरूरत पड़ जाए लेकिन फिर भी मानवीयता के नाते हम ऐसी व्यवस्था बनाए कि आकस्मिक व्यवस्था उनको अवकाश भी हर हालत में सुनिश्चित हो जाए। इसके साथ ही आशा के वेतन भुगतान और सत्यापन आशा डायरी के आधार पर सहयोगियों के सत्यापन के उपरांत तत्काल ब्लॉक के स्तर पर ही कर दिया जाए और इसकी कोई ना कोई समय सीमा निश्चित की जाए। लेकिन मेरी बहनों आपको एक तो मिलता इंसेंटिव, दूसरा मानदेय भी 2000 रुपया हमने प्रारंभ किया था। मैं जानता हूं कि जिस स्तर का आपका काम है अब लगभग पूरा समय हमारा जनता के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए गुजरता है और इसलिए 2000 रुपये का मानदेय ये काफी कम है, इसको बढ़ा के मैं 6000 रुपये करने के निर्देश देता हूं। और इसके साथ एक बात और कर रहा हूं कि इसमें हर साल अपने आप 1000 रुपया बढ़ा दिए जाएंगे। ताली और जोर से बजाओ ना। क्योंकि जब पार्टी सबसे बढ़ते हैं तो ये भी तो दिन और रात काम करती है, बाकी सबका महंगाई भत्ता बढ़ जाता है, इनको भत्ता बढ़वाने के लिए कई बार आंदोलन करना पड़ता है, अब ये आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप 1000 रुपया हर साल ये बढ़ा दिया जाए ताकि इनको बार बार परेशानी नहीं हो और महंगाई के अनुपात में इनको अपने आप बढ़कर राशि मिलती रहे। बोलिए ठीक है, बोलो भारत माता की। आशा ऊषा और आशा पर्यवेक्षकों के सेवानिवृत्ति के पश्चात 1 लाख रुपया उनको दिया जाएगा ताकि रिटायरमेंट के बाद कम से कम कुछ तो पैसा उनके पास हो जिसका वो अपने भावी जीवन के लिए
उपयोग कर सकें। आशा उनसा और आशा पर्यवेक्षक बहनों को 5 लाख रुपए का चिकित्सा और दुर्घटना बीमा करवा के दिया जाएगा, ताकि ऐसी स्थिति अगर कोई भगवान ना करे कभी पैदा हो तो उनको कोई तकलीफ ना हो और परिवार को भी कोई तकलीफ ना हो। आशा पर्यवेक्षकों का वेतन जो मानदेय है वो भी बढ़ाकर 13,500 रुपया किया जाएगा।